उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी की सोमवार 15 अप्रैल को बड़ी रैली होने वाली है। इसकी तैयारी के लिए आज ही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रियंका गांधी की इस रैली को सफल बनाने के लिए मुरादाबाद में डेरा डाले हुए हैं। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड में जहाँ कांग्रेस की रैली होने वाली है, वहाँ सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सोमवार को प्रियंका गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से यहां मिलने वाली हैं। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करेंगी। इस दौरान उन्होंने सलमान खुर्शीद की लिखी गई किताब पर हुए विवाद का जवाब देते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में कुछ गलत नहीं लिखा है। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है, यूपी चुनाव सामने, हिंदू मुस्लिम वाली लाइन खींच रही है एक तरह से उनके बयान को लेकर। देखिए, जो लोग अफवाह और बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आदि हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के बातों को रखने का काम करेंगे। लेकिन आदरणीय सलमान खुर्शीद जी ने खुद मीडिया के सामने आकर अपनी बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने क्या कहा है। उस किताब में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसे लोग भ्रामक प्रचार के रूप में लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सबको एक बराबर का दर्जा दिया है और ख़ासकर अयोध्या में जो मंदिर निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है उसे हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों ने स्वीकारा है, इस बात को उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जो राहुल जी ने का जो बयान है उनको समर्थन को लेकर के सलमान खुर्शीद कि वो हिंदुत्व को खत्म करने की तरफ कांग्रेस जा रही है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। देखिए, शायद सुधांशु द्विवेदी जी को तो किसानों के से कोई लेना देना है नहीं, बेरोजगार नौजवानों से कोई लेना देना है नहीं, आम आदमी से, महिला सुरक्षा से तो कोई मतलब है नहीं। जो वादे किए थे भारत की सरकार ने उन्हें तो एक भी पूरा नहीं कर पाई। ऑक्सीजन के अभाव में सभी वर्ग के लोग मरे, इस विषय पर तो चर्चा करेंगे नहीं। लेकिन राहुल जी ने कहा है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म को मानता हूँ, स्पष्ट रूप से कहा है। शायद वो नहीं सुन पाए हैं, वो जानबूझकर भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपने जो नौजवानों से रोजगार की बात की थी, किसानों से कर्ज माफी की बात की थी, गेहूं और धान का दाम देने का बात किया था, MSP देने की बात की थी, गन्ने का दाम देने का बात किया था, मुरादाबाद के ब्रास इंडस्ट्रीज को जो पूरी तरह समाप्त हो रही है उसे पटरी पर लाने की बात की थी, बुनकरों की बात की थी, आज वो वादा कहाँ है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सवाल था, कंगना रनौत वाले बयान को लेकर कैसे कहेंगे, उन्होंने कहा कि किस तरह देखते हैं उसको। देखिए, ये लोग जानबूझ के सुर्खियों में आने वाले लोग हैं, बाकी इनका ना देश से लेना देना है और ना इतिहास से लेना देना है।